सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। और सेबी को वैधानिक मान्यता सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा प्रदान किया गया था। सेबी को जो वैधानिक मान्यता है वह सेबी अधिनियम 1992 के तहत सेबी को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। सेबी को वैधानिक मान्यता 12 अप्रैल 1992 को प्रदान की गई थी। 12 अप्रैल 1992 को सेबी को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में सेबी को वैधानिक मान्यता 12 अप्रैल 1992 को प्रदान की गई थी। सेबी के मुख्यालय की बात करें तो सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कि नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में हैं। जब सेबी अस्तित्व में नहीं था तो उस समय क्या था? तो देखिए, सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज नियामक प्राधिकरण कार्यरत था। यानी कि सेबी के अस्तित्व में आने के पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक नियामक प्राधिकरण ऑलरेडी काम कर रहा था। और ये जो पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक प्राधिकरण है, पूंजीगत मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत अधिकार प्राप्त था। तो सीधा सा मतलब है कि सेबी के आने से पहले भारत में ऐसी कौन सी संस्था थी जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कर रही थी? तो उस संस्था का नाम आपको याद रखना है, पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक नियामक प्राधिकरण। पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक नियामक प्राधिकरण या कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। तो सेबी के अस्तित्व में आने के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज भारत में काम कर रहा था। अब हम बात करते हैं सेबी के बोर्ड संरचना की। तो सेबी के बोर्ड की संरचना की बात की जाए तो सेबी में एक तो अध्यक्ष होता है, और ये जो अध्यक्ष होता है जो कि वर्तमान में श्री अजय त्यागी हैं, यह अध्यक्ष केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा सेबी में 2 सदस्य होते हैं, और ये 2 सदस्य ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्हें वित्त यानी कि फाइनेंस से संबंधित अनुभव हो या ये वित्त विभाग से संबंधित हों। तो 2 सदस्यों की नियुक्ति सेबी में फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। फिर से देखिएगा, एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। सेबी में 2 सदस्य जो होते हैं, इन 2 सदस्यों की नियुक्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये जो 2 सदस्य होते हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से संबंधित होना जरूरी है। इसके अलावा सेबी में 1 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो सेबी में 1 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी अपॉइंट किया जाता है। तो एक अध्यक्ष, 2 सदस्य हो गए फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और 1 सदस्य हो गया आरबीआई के द्वारा अपॉइंट। इसके अलावा सेबी में 5 सदस्य और होते हैं, और इन 5 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इन 5 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो एक अध्यक्ष, 2 सदस्य वित्त विभाग के, 1 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और बाकी बचे अन्य 5 सदस्य, और इन 5 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब इन 5 सदस्यों में से कम 3 सदस्य ऐसे होना चाहिए जो कि पूर्णकालिक हों। इसके अलावा 2 सदस्य चाहे तो अंशकालिक रह सकते हैं। यानी कि इन 5 सदस्यों में से कम 3 सदस्य पूर्णकालिक हों, चाहे तो पूरे के पूरे 5 के 5 सदस्य ही पूर्णकालिक हो सकते हैं, लेकिन
पांच में से कम तीन सदस्य पूर्णकालिक होना जरूरी है। तो ये हुआ सेबी का स्ट्रक्चर, जिसे हम देख लेते हैं। तो सेबी में कौन कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा, दो सदस्य केंद्र सरकार के अधिकारी जिन्हें वित्त विभाग के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, एक सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी जिसे आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और पांच सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जिनमें से कम तीन सदस्य पूर्णकालिक होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की, तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री अजय त्यागी। आप देख सकते हैं इनका फोटोग्राफ, ये हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अजय त्यागी जी, ये सेबी के नवे चेयरमैन हैं। इसके पहले यूके सिन्हा जी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री अजय त्यागी, 2017 से अभी तक यही अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं सेबी के सदस्य की। तो हमें पता है सेबी में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, दूसरे होते हैं अंशकालीन सदस्य। तो पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं चार, ये चारों जो हैं ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य। तो पहले कौन है? पहले हैं श्री जी महालिंगम। श्री जी महालिंगम ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं। इसके अलावा सुश्री माधवी पुरी बुच, श्री एस के मोहंती, श्री अनंत बरुआ। तो सेबी के चार सदस्य जो कि पूर्णकालिक हैं, श्री जी महालिंगम, सुश्री माधवी पुरी बुच, श्री एस के मोहंती, श्री अनंत बरुआ। अब अगर हम इनको इनके फोटो के द्वारा समझें तो और भी ज़्यादा इजी होगा। तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको फोटो सहित इन सदस्यों के नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये जो हैं श्री जी महालिंगम जो कि सेबी के फुल टाइम मेंबर हैं, माधवी पुरी बुच, श्री एस के मोहंती और अनंत बरुआ जी, ये चारों सेबी के वर्तमान में फुल टाइम मेंबर्स हैं। ओके, अब हम बात करें सेबी के पार्ट टाइम मेंबर्स की। तो सेबी के पार्ट टाइम मेंबर्स जो वर्तमान में हैं वो भी चार हैं, जिसमें श्री राजेश्वर राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री राजेश्वर राव ये डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं। हमने पढ़ा था बोर्ड स्ट्रक्चर में कि सेबी में एक सदस्य ऐसा होगा जो कि आरबीआई से होगा, तो श्री एम राजेश्वर राव आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, जो कि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर भी हैं। फिर हैं श्री के वी आर मूर्ति। के वी आर मूर्ति पार्ट टाइम मेंबर हैं सेबी के, और ये जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैं। ठीक है, श्री के वी आर मूर्ति जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ओके, सो अब हमारे जो अगले मेंबर हैं, सो यहाँ पे गलती से वापस से के वी आर मूर्ति जी का नाम लिखा हो गया है, तो यहाँ पे आप पढ़िएगा श्री तरुण बजाज, श्री तरुण बजाज। ओके, और जो सेबी के चौथे मेंबर हैं वो हैं डॉक्टर वी रवि अंशुमान, डॉक्टर वी रवि अंशुमान जो कि प्रोफेसर हैं भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु में, डॉक्टर वी रवि अंशुमान जो कि प्रोफेसर हैं भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु में। ओके, अब देखिएगा सेबी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी अध्यक्ष या मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर हित विरोधी संहिता लागू होती है। तो सेबी के जो भी अध्यक्ष या मेंबर होते हैं उनके ऊपर हित विरोधी संहिता लागू होती है। इस हित विरोधी संहिता का जो पहला पॉइंट है उसके तहत सेबी के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं रह सकते एवं किसी दूसरे व्यवसाय से नहीं जुड़े रह सकते जहां से उन्हें वेतन या कोई फीस मिलती हो। जो सेबी के जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वह किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं रह सकते या किसी व्यवसाय गतिविधि में भी नहीं जुड़े रह सकते जहां से उन्हें कोई वेतन या फीस मिलती हो।
ठीक है। तो ये हित विरोधी संहिता का पहला पॉइंट हुआ। इसके अलावा सेबी के जो मेंबर हैं उनको कार्यभार संभालने की अंदर कार्यभार संभालने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपने और अपने परिवार की शेयरधारिता के बारे में सेबी को अवगत कराना होगा। ओके, तो सेबी के जो मेंबर्स हैं उन्हें अपना कार्यभार संभालने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपने और अपने परिवार की शेयरधारिता के बारे में सेबी को अवगत कराना होगा कि उनके और उनके परिवार के पास कुल कितने शेयर हैं और किन किन कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट है। अगला पॉइंट है इसका, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने की तारीख से 15 दिन पहले 15 दिन के भीतर उन्हें अपने और अपने परिवार की शेयरधारिता को फिर से सेबी को प्रकट करना होगा। यानी कि सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपने और अपने परिवार की शेयरधारिता को प्रकट करना होगा। तो सेबी के मेंबर्स को दो बार अपने और अपने परिवार की शेयरधारिता को प्रकट करना है। एक तो जब वो कार्यभार संभालेंगे स्टार्टिंग में, उस कार्यभार संभालने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपने और अपने परिवार की शेयरधारिता के बारे में सेबी को वो अवगत कराएंगे। इसके अलावा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की जो तिथि है उससे 15 दिन के अंदर वह सेबी को अपने और अपने परिवार की शेयरधारिता से अवगत कराएंगे। चौथा जो इसका पॉइंट है कि सदस्य उसे मिली किसी अप्रकाशित कीमती संवेदनशील जानकारी। अब देखिए सेबी के अंदर वो रहेंगे तो सेबी का काम क्या होता है, जो भी स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके बारे में सेबी को अच्छे से पता होता है। तो सेबी के जो मेंबर हैं वो उन कंपनियों की जो अंदरूनी जानकारी है, ऐसी कोई अप्रकाशित कीमती संवेदनशील जानकारी जिसे हम बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उस प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के आधार पर किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज नहीं कर सकते। ओके, इससे क्या होगा, इससे उनको फायदा होगा। तो सेबी ने यहाँ पे बैन लगाया है कि सेबी के जो मेंबर्स हैं उनको अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी के बारे में पता चलती है कि फला कंपनी के शेयर के बढ़ने वाले हैं इस खबर की वजह से, और अगर वह खबर या न्यूज सेबी के मेंबर्स को पता चल जाती है तो ये उस खबर के आधार पर उस कंपनी के शेयर को परचेज नहीं कर सकते। इवन इनकी फैमिली में से कोई भी उस शेयर को परचेज नहीं कर सकता। तो चौथा पॉइंट आप याद रखिएगा, चौथा पॉइंट क्या बोलता है, सदस्य उसे मिली किसी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के आधार पर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज में कोई भी लेन देन नहीं करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा सेबी के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर हित विरोधी संहिता लागू होती है, और यह हित विरोधी संहिता ना केवल सिर्फ मेंबर्स पर बल्कि अध्यक्ष के ऊपर भी लागू होती है। आगे बढ़ते हैं, सेबी के कार्य क्या होते हैं। तो सेबी के कार्य के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, सेबी के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सेबी का जो पहला काम होता है वह होता है प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटी मार्केट में निवेशकों के हितों का संरक्षण। देखिएगा सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट में जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी छोटी कंपनियों के शेयर होते हैं। शेयर मतलब एक अंश होता है, और जब कोई इंसान किसी शेयर को परचेज करता है, जब कोई इंसान किसी शेयर को परचेज करता है तो मान के चलो उसने 100 रुपये में कोई शेयर परचेज किया, तो इस 100 रुपये के शेयर पर उससे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ, जो शेयर की कीमत है वो 10% क्या हो गई, बढ़ गई। अब इस शेयर की कीमत 10% बढ़ने का मतलब है कि उस कस्टमर को, उस इंसान को जिसने ये शेयर को परचेज किया है, उसे भविष्य में 10% का मुनाफा होगा। तो भविष्य में मुनाफा होगा, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, ये कहलाता है प्रतिभूति। ये क्या कहलाएगा, हमारा
प्रतिभूति, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो भविष्य में होने वाले सौदों को ही क्या कहा जाता है? प्रतिभूति कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग ही है। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयरों का लेन देन, ट्रांजेक्शन, भविष्य के सौदे। तो यदि आप या मैं कोई शेयर परचेज करते हैं और उस शेयर पर अगर वो शेयर की प्राइस 10% बढ़ती है, तो इसका मतलब है भविष्य में हमें उस शेयर को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा, और यही कहलाता है हमारा प्रतिभूति बाजार या सिक्योरिटी मार्केट। ओके, अब इसको समझिएगा। तो सेबी का काम क्या होता है? सेबी का काम होता है प्रतिभूति सिक्योरिटी मार्केट, यानी जो सिक्योरिटी मार्केट होता है, सिक्योरिटी मार्केट में निवेशकों के हितों का संरक्षण। अब देखिएगा, शेयर मार्केट जैसे कि हमारा कौन कौन सा है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा और कौन सा है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो शेयर मार्केट होती हैं, यहाँ पे जो नए नए निवेशक आते हैं, ये नए नए निवेशक आके अपना पैसा लगाते हैं। तो ये जो नए नए निवेशक होते हैं, इन्हें शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण से जो शेयर मार्केट के जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जिसके कारण से जो नए निवेशक होते हैं उनको काफ़ी लॉस होता है। तो कहने का मतलब है कि सेबी के अंदर जो नए निवेशक होते हैं, तो सेबी उन नए निवेशकों के हितों का संरक्षण करता है। मतलब नए पुराने सभी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनके हितों का संरक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं कि इन्वेस्टर के साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो, किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग ना हो, ठीक है ना। फ्रॉड, चीटिंग, ये सब चीज़ें इन्वेस्टर के साथ ना हो। देखिए, फाइनली जो NSE है, BSE है, ये चलता किससे है? तो ये चलता है आपके निवेशकों से, और जब निवेशकों के साथ ही फ्रॉड होने लगेंगे, तो इस स्थिति में वह इन्वेस्ट करना, यानी कि निवेश करना बंद कर देंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ही खराब हो जाएगी। अतः ये निवेशक कंटिन्यू शेयर मार्केट में निवेश करते रहें, है ना, डिवेंचर्स में निवेश करते रहें, प्रतिभूतियों में निवेश करते रहें, इसके लिए सेबी को बनाया गया है। और सेबी का काम ये होता है कि वह निवेशकों, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके हितों का ध्यान रखे, उनके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो पाए, किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो पाए। जैसे कि आपने हर्षद मेहता केस के बारे में सुना होगा। हर्षद मेहता जो केस है, लगभग 1984 के आसपास की बात है। तो वह जितने भी सरकारी बैंक हैं, उन गवर्नमेंट बैंक्स के पैसे ले लेकर, गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक हैं, उनके पैसे ले लेकर उसने क्या किया, शेयर मार्केट में निवेश किया। और शेयर मार्केट के ऐसे ऐसे शेयरों की कीमत उसने बहुत अधिक बढ़ा दी, जिनकी कीमत बहुत ही कम थी, जिसके कारण से जो नए निवेशक थे, उन्होंने भी देखा कि ये शेयर बढ़ रहा है, तो उन्होंने उस शेयर को परचेज किया। लेकिन फाइनली ये हुआ कि जब उनकी प्राइस घटना स्टार्ट हुई, जब हर्षद मेहता ने उनसे अपना पैसा निकाल लिया, तो उनकी प्राइस क्या हो गई, एकदम से डाउन हो गई, जिसकी वजह से हर्षद मेहता एंड कंपनी को तो यहाँ फायदा हुआ, लेकिन जो निवेशक थे, जो नए निवेशक थे या जो ओल्ड निवेशक थे, उनको क्या हुआ, जो उनको बहुत लॉस हुआ। तो इस बारे में, इस तरह के जो फ्रॉड या चीटिंग वाले जो काम होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उनसे निवेशकों को बचाना, उनको अलर्ट करना, ये काम होता है सेबी का। ओके, तो सेबी का पहला काम क्या होता है? सिक्योरिटी मार्केट या शेयर मार्केट के जो निवेशक हैं, उनके हितों का संरक्षण करना। दूसरा काम होता है सिक्योरिटी मार्केट को विनियमित करना, यानी कि रेगुलेट करना और विकसित करना। जो हमारा शेयर मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट है, उसको रेगुलेट करना, यानी कि उसके कार्यों को संचालित करना, नियम बना के कार्यों को संचालित करना और विकसित करना, यानी कि शेयर मार्केट के, सिक्योरिटी मार्केट के विकास को प्रोत्साहन देना, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल भी रखना, उसको रेगुलेट भी करना और उसको विकसित भी करना। ये काम करता है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
इसके अलावा चौथा जो काम होता है वो काम होता है स्टॉक एक्सचेंज या अन्य किसी प्रतिभूति बाजार का नियमन करना। स्टॉक एक्सचेंज या अन्य किसी प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, ठीक है ना। चौथा काम क्या है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया आपको, एक तो होता है आपका कौन सा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एक होता है आपका NSE, ये दोनों बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। इसके अलावा बहुत सारे लगभग 17 स्टॉक एक्सचेंज हैं हमारे सेबी के अंडर में, तो 17 स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज या अन्य किसी प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, उसका कंट्रोल करना, ये सारे काम कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है ना। तो सेबी के हमने प्रमुख रूप से 3 काम पढ़े। पहला क्या है, निवेशकों के हितों का संरक्षण करता है। दूसरा क्या करता है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, विकसित करता है, और सिक्योरिटी, तीसरा काम क्या है, सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को ये कंट्रोल करता है। ये सेबी का काम है, जिससे कि निवेशकों के साथ किसी भी प्रकार का चीटिंग या फ्रॉड ना हो पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या काम होता है, अब देखिए सेबी के और भी काम होता है। सेबी क्या करती है, स्टॉक ब्रोकर को नियमन करना, उसे पंजीकृत करना। देखिए, अगर आपको कोई शेयर परचेज करना है तो शेयर परचेज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपका एक डीमेट अकाउंट होना आवश्यक है। कौन सा अकाउंट, डीमेट अकाउंट। तो ये डीमेट अकाउंट जो है आपको किसी स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर के पास ओपन कराना होगा। अब स्टॉक ब्रोकर बहुत सारे हैं मार्केट में, जैसे ICICI डायरेक्ट हुआ, ठीक है ना, कोटेक महिंद्रा सिक्योरिटीज हुआ, ठीक है ना, एंजल ब्रोकिंग हुआ। तो ये बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर मार्केट में हैं, जिनके जरिए आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगा सकते हैं, शेयर परचेज कर सकते हैं। तो इन ये जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, इन स्टॉक ब्रोकर को पंजीकृत करना कौन करता है, तो इनको पंजीकृत करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। इनको पंजीकृत करने का काम भी कौन करता है, सेबी करता है। इनको नियमन करना, यानी कि इनके ऊपर कंट्रोल करना, इनको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, सेबी करता है। जिससे कि ये स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं किसी के साथ कोई फ्रॉड ना कर पाएँ, कोई चीटिंग ना कर पाएँ, ठीक है ना। होता क्या था कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी स्टॉक ब्रोकर ले लेते थे, और उसी कस्टमर की पावर ऑफ अटॉर्नी का फ़ायदा उठा के ये उसके शेयरों को चुपचाप खरीद और बेचकर प्रॉफिट कमा रहे थे। तो ऐसे कुछ बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो ये केसेस जब सेबी की निगाह में आए, तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने स्टॉक ब्रोकर को क्या कर दिया, इनके ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाया, ठीक है ना, इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, ठीक है। और अभी तो क्या बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, जिसके तहत अब पासवर्ड कस्टमर के पास जाएगा जब भी वो अपना शेयर बेचेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इसके द्वारा क्या हो, क्या कर रहा है सेबी, सेबी जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनको भी क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है, उनको भी रेगुलेट करता है, उनके ऊपर निगाह रखता है, निगरानी करता है, सुपरविजन करता है, जिसकी कारण ये किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी इन्वेस्टर के साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना कर पाए और निवेशकों को नुकसान ना हो। ओके, और क्या करता है सेबी, तो सेबी क्या करता है, जो स्टॉक ब्रोकर हैं, जो सब ब्रोकर हैं, जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, अब ये शेयर ट्रांसफ़र एजेंट क्या होते हैं, तो देखिए जो भी लेन देन शेयर मार्केट में होता है, तो ए ने शेयर किसको बेचे, बी को बेचे, तो ए के खाते से शेयर निकाल के बी के खाते में दर्ज किए जाएंगे। तो ये सब काम कौन करता है, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट करता है। लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो इस प्रकार के अब ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है, लेकिन ये अब भी ये काम ऑनलाइन सेबी संचालित करता है। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स को भी पंजीकृत करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, देखिए मर्चेंट बैंकर्स ऐसे बैंकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स ऐसे बैंकर्स होते हैं जो बैंक का काम तो करेंगे और साथ में किसका काम करेंगे, कंसल्टेंसी का काम भी करेंगे, यानी सलाह देने का काम भी करेंगे, ठीक है ना। तो मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं, मर्चेंट बैंकर ऐसे बैंकर्स होते हैं जो बैंक का काम भी करते हैं और प्लस कंसल्टेंसी का काम भी करते हैं। कंसल्टेंसी यानी कि सलाहकारी निकाय के रूप में भी काम करते हैं। इनका काम होता है कि ये सलाह देते हैं, जैसे कि लीगल मैटर्स पे सलाह देते हैं, ठीक है, फाइनेंस से संबंधित सलाह देते हैं,
फंड को कैसे बढ़ाया जाए, फंड को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में सलाह देते हैं। तो ये बैंक का काम भी करते हैं और कंसल्टेंसी का काम करते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं मर्चेंट बैंकर्स। तो मर्चेंट बैंकर्स बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं। ये बैंक का भी काम करती हैं, कंसल्टेंसी का काम भी करती हैं। तो इनको मान्यता देने का काम कौन करता है? तो इन मर्चेंट बैंकर को मान्यता देने का काम भी सेबी करता है। सेबी ही इनका पंजीकरण करता है और इनको रेगुलेट भी कौन करता है? तो वो सेबी करता है। क्लियर हो गया? तो सेबी का काम क्या क्या हो गया? स्टॉक ब्रोकर को, जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, स्टॉक ब्रोकर को रेगुलेट करना, स्टॉक ब्रोकर को पंजीकृत करना, सब ब्रोकर को रेगुलेट करना, शेयर ट्रांसफर एजेंट को पंजीकृत करना, रेगुलेट करना, मर्चेंट बैंकर को पंजीकृत करना, रेगुलेट करना। अब बात करते हैं हम अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स क्या होते हैं? तो देखिए अंडरराइटर्स क्या होते हैं, तो कोई भी कंपनी आती है, कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है ना, कोई भी कंपनी जब भी अपने शेयरों को मार्केट में उतारती है, तो जो फर्स्ट टाइम जब वो शेयरों को मार्केट में उतारती है तो वह आईपीओ लेके आती है। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या न्यूज में किसी भी कंपनी के आईपीओ का एक ऐड आता है ना, उसकी कुछ प्राइस रखी जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा डर उस कंपनी के साथ ये होता है कि उसकी आईपीओ यानी कि शेयर हैं, आईपीओ के जरिए कंपनी क्या बेचती है? शेयर बेचती है। तो उसके शेयर को कौन परचेज करेगा, कौन सब्सक्राइब करेगा? पता चला कि शेयर सब्सक्राइब ही नहीं हुए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उस कंपनी को, देखिए कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो कम से कम 90% उसकी परचेजिंग यानी कि 90% जो शेयर है उसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी कि 90% शेयर कस्टमर या निवेशक खरीद ले, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कंपनियों के साथ जुड़ी रहती है। अगर 90% शेयर नहीं खरीद पाए, मतलब किसी कंपनी के सिर्फ 50% शेयर ही, किसी कंपनी के 50% शेयर ही निवेशक ने आईपीओ के खरीदे, तो बाकी के शेयरों का क्या होगा? तो इस कंडीशन में उसका जो आईपीओ है वो सेबी निरस्त कर देगी और जो 50% पैसा जिन कस्टमर ने, जिन निवेशकों ने इन्वेस्ट किया, ये जो पैसा इन्वेस्ट किया, इस पैसे को उस कंपनी को, माने कि कंपनी कौन थी, ए, ए कंपनी को वापस से निवेशकों के अकाउंट में इस पैसे को वापस करना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, कि कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, अगर उसे पहली फर्स्ट टाइम अगर वो शेयर मार्केट में एंटर करती है, सेबी उसे लिस्टेड करती है, या आईपीओ के द्वारा क्या करती है, आईपीओ के द्वारा कोई भी कंपनी फंड जुटाती है, ठीक है ना, पब्लिक फंड जुटाती है। तो पब्लिक फंड कैसे जुटाएगी? जब पब्लिक उसके शेयरों को परचेज करेगी, और पब्लिक को कैसे पता चलेगा? तो वह आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर इसको जो है मार्केट में लॉन्च करेगी, और जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है कि किसी भी कंपनी के आईपीओ का 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी कि 90% उसके शेयर बिकने चाहिए आईपीओ के, ठीक है। अगर 90% शेयर नहीं बिकते हैं तो उसके आईपीओ को रद्द किया जा सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे अंडरराइटर्स का बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे अंडरराइटर्स का काम क्या होता है समझिएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अंडरराइटर्स के बारे में। माना कि ए कोई कंपनी है और ए अपने 10,000 शेयर लॉन्च कर दिए। कितने शेयर लॉन्च किए भाई? 10,000 शेयरों को उसने आईपीओ के जरिए मार्केट में उतारा। अब इन 10,000 शेयरों का 90% यानी कि 9,000 शेयर बिकना आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ए जाएगी किसके पास भाई? अंडरराइटर्स के पास। अंडरराइटर्स के पास जाएगी और माना कि ए के शेयर कितने बिके? 7,000 शेयर ही बिक पाए। अब 7,000 शेयर ए के बिक पाए, टोटल शेयर कितने थे? 10,000 थे। अब कितने बचे हुए हैं? तो 3,000 शेयर अभी भी बचे हुए हैं। तो अंडरराइटर्स का काम क्या होता है कि ये इन 3,000 शेयर को परचेज कर लेते हैं। जैसे ही अंडरराइटर्स इन 3,000 शेयर को परचेज करेंगे तो ये जो ए कंपनी है ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी और अपना व्यवसाय संचालित करने लगेगी, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा।
क्लियर हो गया। तो अंडरराइटर्स का क्या रोल होता है? अंडरराइटर्स का रोल ये होता है कि जब भी किसी कंपनी के आईपीओ 90% से कम रह जाते हैं तो शेष जो बचे हुए शेयर्स हैं वह अंडरराइटर्स परचेज कर लेते हैं और कंपनी को लिस्टेड होने में, शेयर मार्केट में लिस्टेड होने में मदद करते हैं। क्लियर हो गया। जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनियों को जो निवेशक होते हैं उनको पैसा वापस नहीं करना पड़ता। तो अंडरराइटर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब अंडरराइटर्स जब इन 3000 शेयर को परचेज करेंगे तो फ्री में तो कोई काम करेंगे नहीं, तो अंडरराइटर्स इसके बदले में अंडरराइटर्स को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। क्या मिलता है भाई? कमीशन मिलता है, ठीक है ना, उन्हें कमीशन मिलता है। तो इस कमीशन की दम पे ही वो क्या करते हैं, अपनी इनकम जनरेट करते हैं। क्लियर हो गया। तो अंडरराइटर्स का कितना बड़ा रोल है, ठीक है, किसी भी कंपनी को लिस्टेड करवाने में अंडरराइटर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पोर्टफोलियो मैनेजर। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होते हैं, जैसे कि किस जितने भी बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, है ना, जैसे HDFC बैंक हुआ, या आपने किसी भी बैंक के द्वारा, या आपने कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम में कौन होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, और वो फंड मैनेजर्स आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो इन फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर का नियमन और उन्हें पंजीकृत करने का काम भी कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है ना, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं ना आजकल एक्सपर्ट, ओके। तो सेबी का काम क्या हो गया, तो सेबी का काम हो गया स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, अंडररराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के कार्यों का नियमन करना, यानी कि उनको रेगुलेट करना और उन्हें पंजीकृत करना, और उन्हें पंजीकृत करना, ये सेबी का काम है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं। सेबी का अगला काम होता है जो म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत करना, जो म्यूचुअल फंड है उनकी जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम है उनको पंजीकृत करना, उनका नियमित करना, यानी कि उनको कंट्रोल करने का काम सेबी करता है, ठीक है। सेबी का अगला काम क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को समाप्त करना, यानी कि सिक्योरिटी मार्केट में जो भी फ्रॉड होते हैं, जो भी अनुचित व्यापार होते हैं, जो भी अनफेयर ट्रेड होते हैं, उनको समाप्त करने का काम भी कौन करता है, उनको समाप्त करने का काम भी सेबी करता है। क्लियर हो गया। निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, कस्टमर को या इन्वेस्टर को फ्रॉड से बचाना, जो भी अनुचित व्यापार होते हैं, अनफेयर ट्रेड होते हैं, उनको रोकना, ओके। और क्या होता है, लास्ट पॉइंट और हम देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, एक मिनट, ओके। सो लास्ट पॉइंट और हम देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना। देखो सेबी का एक और काम होता है, जो भी सिक्योरिटी मार्केट से या शेयर मार्केट से जो भी इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, या जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी कंपनियां जुड़ी हुई हैं शेयर मार्केट से, उनको प्रशिक्षित करना, जो भी इन्वेस्टर हैं उनको भी प्रशिक्षित करना, उनको शिक्षित करने का काम, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको शिक्षित करने का काम भी कौन करती है, तो उनको शिक्षित करने का काम भी आपकी सेबी करती है, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर नए नए इन्वेस्टर हो तो इसके लिए आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन जो है सेबी के द्वारा किया जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको ट्रेन करेगी, ठीक है ना, ओके। और क्या करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग पर ये रोक लगाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग ये होती है, मान के चलो आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, आप किसी कंपनी में हो, कंपनी एक्स में आप हो, और कंपनी एक्स के बोर्ड में आप कोई मेंबर हो या कोई अध्यक्ष हो, तो आपको कंपनी के अंदर की कोई महत्वपूर्ण जानकारी पता चली, ठीक है, और कंपनी के अंदर की कोई महत्वपूर्ण जानकारी पता चली और आपको इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपको पता चला कि इस इंफॉर्मेशन की दम पर या इस जानकारी की दम पर कंपनी का जो शेयर चूंकि अभी कितने का है, 100 रुपये का है, और आपको ऐसी जानकारी मिल गई क्योंकि आप क्या हो, कंपनी के बोर्ड के अंदर हो, कंपनी के बोर्ड की मीटिंग में आपको ऐसी जानकारी मिल गई कि जिसकी वजह से ये 100 रुपये का शेयर कहाँ तक पहुँच जाएगा, 200 रुपये तक पहुँच जाएगा। अब ये जो कंपनी की मीटिंग की जो जानकारी है ये सिर्फ आपके मतलब कंपनी के अंदर ही है और आपको पता है और कंपनी के मेंबर्स को पता है। अब आपने क्या किया, इस जानकारी का
लाभ उठाते हुए अपने या अपने किसी रिश्तेदार से इन शेयर को परचेज करने के लिए बोल दिया। तो आपने शेयरों को कितने में खरीद लिया? 100 रुपये में। और जैसे ही ये जो जानकारी है ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से जब पब्लिक में आएगी, और जानकारी ऐसी थी कि जिसकी वजह से कंपनी के जो शेयर हैं वो ग्रो करने लगे, माना कि कोई कंपनी है किसी ऐसी कंपनी का अधिग्रहण करने वाली है जिसकी वजह से उसको बहुत फायदा होने वाला है, तो इस जानकारी के दम पर उस कंपनी के शेयर क्या हो गए? ग्रो करने लगे। तो 100 रुपये का शेयर बढ़ के कितना हो गया? 200 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, तो आप तो कंपनी के अंदर ही थे और आपको कंपनी के अंदर ही इसी इंफॉर्मेशन का पता चल चुका था और आपने चुपचाप से क्या कर ली? इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि आप किसी कंपनी के बोर्ड में हो, मेंबर हो, और कंपनी की मीटिंग में आपको जानकारी का पता चला तो आपने पहले से ही क्या कर लिया, आपने पहले से ही उस कंपनी के लाखों शेयर खरीद लिए या अपने परिवार वालों को खरीदवा दिए या अपने दोस्तों से उन शेयरों को खरीदने का बोल दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, तो इस तरह की जो ट्रेडिंग कहलाती है वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। तो सेबी का काम होता है इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, ठीक है, क्लियर हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, अब जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनको तो ये शेयर 200 रुपये में खरीदना पड़ेगा, उनके लिए तो बहुत महंगा मिलेगा, और जिनको जानकारी पहले ही मिल गई थी, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो कंपनी का मेंबर था उसने अनुचित लाभ उठाया, ठीक है ना, अनफेयर ट्रेड कहलाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये नियम होता है कि कंपनी के बोर्ड की जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है उन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की दम पर कोई भी मेंबर या उसकी फैमिली वाले कोई भी शेयर को परचेज नहीं करेंगे, तो ये अनफेयर ट्रेड कहलाती है, इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। तो ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने का काम कौन करता है? ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने का काम सेबी करता है। क्लियर हो गया, सेबी के काम हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सेबी के पास बहुत सारी शक्तियां भी होती हैं, है ना, तो वो शक्तियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सेबी की शक्तियों से संबंधित एक सेबी संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। क्या नाम है? सेबी संशोधन अधिनियम 2002। अब ये जो अधिनियम है ये संसद में पारित होकर 29 अक्टूबर 2002 को ये लागू हुआ। कब लागू हुआ? 29 अक्टूबर 2002 को सेबी संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसके तहत शेयर बाजार में गड़बड़ियों के दोषियों को अधिक कठोर सजा के लिए सेबी को अधिकार दिए गए। तो ये जो सेबी संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया इसके तहत शेयर बाजार में गड़बड़ी करने वाले दोषियों को अधिक कठोर सजा अब सेबी दे सकती है। अब सेबी को पावर मिल गया है कि शेयर बाजार में जो भी गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उनको अधिक से अधिक कठोर सजा सेबी प्रदान कर सकती है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी, अब देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उसके लिए सेबी 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। यानी कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले जो भी मेंबर हैं या जो भी बोर्ड के लोग हैं उनके ऊपर सेबी 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकती है। इसके अलावा जो लघु निवेशक होते हैं यानी कि छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ धोखाधड़ी के मामलों में 1,00,000 रुपये प्रतिदिन की दर से 1,00,000,000 रुपये तक का जुर्माना सेबी लगा सकती है। जो छोटे निवेशक होते हैं, ठीक है ना, उन छोटे निवेशकों के साथ अगर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी कोई कंपनी करती है तो उस कंपनी या संस्था पर सेबी जो है 1,00,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1,00,000,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। 1,00,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1,00,000,000 रुपये तक का जुर्माना सेबी लगा सकती है अगर छोटे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी होती है। इसके अलावा सेबी क्या करती है? इसके अलावा सेबी जो होती है शेयर मार्केट को मान्यता प्रदान करने का काम भी कौन करती है? सेबी करती है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये सेबी की कुछ शक्तियां हुई, आगे बढ़ते हैं और भी देखिएगा। इसके बाद 18 जुलाई 2013 को सेबी की नियामक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया। तो 18 जुलाई 2013 को सेबी की शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि की गई जिससे कि उसका जो रेगुलेशन पावर है उसको और बढ़ा दिया गया। अब इस शक्तियों में क्या क्या महत्वपूर्ण है
विभिन्न योजनाओं के जरिए पूंजी जुटाने के नए नए तरीके जो अभी तक सेबी के दायरे में नहीं आते थे, अब सेबी के दायरे में आएंगे। तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो नई नई तकनीकों या बहुत सारे जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, तो और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अनेक योजनाओं के जरिए क्या करती हैं, पूंजी जुटाने का काम करती हैं। ठीक है, तो अभी तक ये सब संस्थाएं क्या थी, ये सेबी के मतलब कंट्रोल के बाहर थी। लेकिन अब जो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश 18 जुलाई 2013 को पास किया है, इसके तहत विभिन्न योजनाओं के जरिए पूंजी जुटाने के नए तरीके जो अभी तक सेबी के दायरे में नहीं आते थे, अब सेबी के दायरे में आएंगे। तो सेबी का अब उनके ऊपर कंट्रोल हो गया है कि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनकी जेब से कौन कौन किस किस तरीके से पैसा निकल रहा है, इसके ऊपर सेबी का अब फुल फोकस रहेगा। सेबी इसका पर्यवेक्षण करेगा, सुपरविजन करेगा, निगाह रखेगा। ओके, इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, जनता से 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जुटाने वाली सभी योजनाएं। तो ऐसी योजनाएं जिनके द्वारा जनता से 100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाई जा रही है, अब वो सेबी के दायरे में लाई गई हैं। तो सेबी के दायरे में ऐसी सारी योजनाएं आ गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जिनसे कि 100 करोड़ से अधिक की धनराशि जुटाने की कोई योजना है, अब सेबी उसके ऊपर भी निगाह रखेगी। तो ये सब सारी की सारी सेबी की शक्तियां हैं। और क्या शक्ति हैं, और भी शक्तियां हैं सेबी को, जैसे कि सेबी को तलाशी लेने का अधिकार है, जब किसी भी चीज को या धन को जब्त करने का अधिकार है, संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार है, तलाशी अधिकार, जब्ती करने का अधिकार और संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी सेबी को प्राप्त है। नियमों का पालन नहीं करने वालों को हिरासत में लेने का अधिकार भी सेबी को दिया गया है। यानी कि अब सेबी तलाशी ले सकती है, जब्त कर सकती है, संपत्ति कुर्क कर सकती है, और जो नियमों का पालन नहीं कर सकते उनको हिरासत में लेने का अधिकार भी सेबी को दे दिया गया है। देश विदेश के नियामकों से सूचनाएं मांगने की अनुमति भी सेबी को प्रदान की गई है। अब देश विदेश में जितने भी नियामक हैं, रेगुलेटर्स हैं, या देश विदेश के जितने भी शेयर मार्केट हैं, उनका जो भी ग्रुप है या संगठन है, उनसे सूचनाएं मांगने की अनुमति भी अब सेबी को प्रदान कर दी गई है। ओके, अब सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। देखिए, अभी अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि रिलायंस के ऊपर सेबी ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिलायंस है वो कहाँ जा रही है, तो रिलायंस इसकी अपील करने वाली है सैट में। कहाँ अपील करने वाली है, सैट में। तो अगर आप सेबी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, ठीक है ना, सेबी ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की, आपके ऊपर कोई जुर्माना लगाया और आप सेबी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आपको पूरा पूरा अधिकार है कि आप उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, SAT सैट में कर सकते हैं, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। कहाँ कर सकते हैं, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप उसकी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप उसकी अपील कर सकते हैं। अब SAT में कौन कौन होता है, तो SAT में अगर आप देखें तो SAT में कौन कौन होता है, तो SAT में एक पीठासीन अधिकारी एवं दो सदस्य शामिल होते हैं और इसको दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। जो SAT होता है उसको दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है, SAT को दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर आप SAT से भी सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि सेट ने कोई फैसला सुनाया, आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाके आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सब सेबी की पावर्स थी, शक्तियां थी जो हमने डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब देखिए, ये सेबी के जितने भी भूतपूर्व अध्यक्ष हैं उनकी पूरी लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं UPSC में या PSC में कि कौन अध्यक्ष रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं सेबी के अध्यक्ष रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो, अब देखिएगा, ये जो सेबी के सबसे पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर SA दवे। सेबी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर SA दवे।
12 अप्रैल 1988 से 23 अगस्त 1990 तक, ईयर इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेबी के पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर एस ए दबे। तो डॉक्टर, ये आ सकता है क्वेश्चन, सेबी के पहले चेयरमैन कौन रहे हैं? डॉक्टर एस ए दबे सेबी के पहले चेयरमैन रहे हैं। ओके, और इनके बाद फिर कौन थे? डॉक्टर जी बी रामकृष्ण थे इनके बाद, ठीक है, डॉक्टर जी बी रामकृष्ण, डॉक्टर सी एस नाडकर्णी, डॉक्टर डी आर मेहता, और फिर डॉक्टर श्री जी एन वाजपेयी, डॉक्टर श्री जी एन वाजपेयी, डॉक्टर श्री एम दामोदरन, डॉक्टर श्री सी बी भाभे और डॉक्टर श्री यू के सिन्हा, यू के सिन्हा, ठीक है ना। तो अजय त्यागी जी के पहले कौन थे? तो श्री यू के सिन्हा। कब? फरवरी 2011 से मार्च 2017 तक, फरवरी 2011 से मार्च 2017 तक कौन रहे हैं? यू के सिन्हा जी रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो ये जितने भी भूतपूर्व अध्यक्ष हैं सेबी के, इनके नाम आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। ये हमने सेबी को कंप्लीट करने की कोशिश की, और इसमें कुछ भी बचा होगा तो इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये वीडियो समझ में आया, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की कि ऐसे वीडियो बनाऊं जिससे कि हिंदी मीडियम में भी सेबी के बारे में कंटेंट अवेलेबल हो पाए। सो थैंक यू सो मच।